नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 22 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में जो इश्यूज हैं उनमें एक तो हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर में कैसे रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं जिससे कि फार्मर्स की इनकम भी राइज हो और एक एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबिलिटी भी अचीव हो सके एग्रीकल्चर में। दूसरा, जो पावर सेक्टर में क्राइसिस चल रहा है उसका एक रिजल्ट आ चुका है जिसमें यह कि पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉपरेशन पोसोको उसके द्वारा 27 डिस्कॉम कंपनीज को पावर परचेजिंग के लिए बैन कर दिया गया है। जानेंगे इस मुद्दे को और लास्ट में देखेंगे कि किस तरीके से स्पोर्ट्स में एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यू बने हुए हैं, क्रिकेट में भी बने हुए हैं और इसी लाइन पे दूसरे स्पोर्ट्स भी चल पड़े हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी देख लेंगे। तो चार मुद्दे हैं, तीन मुद्दे हैं, तीनों को देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट आर्टिकल है फॉर अमृतकाल इन एग्रीकल्चर। इस आर्टिकल को लिखा है अशोक गुलाटी जी ने। इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि पिछले 10 सालों की अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सेगमेंट्स हैं उनमें क्या ग्रोथ रेट रही है। तो पोल्ट्री फार्म की अगर बात करें तो उसमें 10.4% ग्रोथ रेट रही और फिशरी की बात करें तो 7.8%, मतलब हाईएस्ट तो इनकी ग्रोथ रेट रही है। बाकी पल्सेस, डेयरी, हॉर्टिकल्चर ये आप देख सकते हो, और कम किसकी रही है, सीरियल्स की। तो ऐसे में हमें हमारे एग्रीकल्चर पैटर्न को समझना होगा कि हम ज़्यादा सीरियल्स को प्रमोट करते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी एमएसपी हो चाहे कुछ भी हो, वो प्रमोट करती है सीरियल्स को। बोलो फ़ायदा तो ज़्यादा हो रहा है पोल्ट्री फार्म वालों को, आप इधर ये क्या कर रहे हो। तो यही मेन चीज़ है यहाँ पर। देखो 75 साल हमने इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेट किए, ठीक है, और 2047 तक हमने अचीव टारगेट रखा है कि हम आगे किस किस तरीके से प्रोग्रेस करेंगे और कैसे विकसित भारत के तौर पे हम आगे बढ़ पाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने बुरे परिस्थितियों के टाइम पर, जब पाकिस्तान से लड़ाई थी, ठीक है, इंडिया में ड्रॉट्स थे, तो जय जवान जय किसान का नारा दिया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान का नारा दिया और फिर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान, दैट मीन्स इनोवेशन को प्रमोट करने की बात की है। तो कुल मिलाकर के जय अनुसंधान कब अपने आप में एक प्रॉपर मैनर में काम करता हुआ दिखेगा, तो उसके लिए हमें एग्रीकल्चर के बारे में भी सोचना होगा। जैसे कि एग्रीकल्चर एग्री साइंटिस्ट हैं, उनकी अब ड्यूटी बनती है कि भाई कैसे भी करके हमारे देश को जीरो हंगर में लेकर के जाए, भुखमरी बिल्कुल भी ना हो, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम एकदम ख़त्म हो जाए, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो और फार्मर्स की इनकम को हम राइज कर सकें। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए 2047 तक का एग्रीकल्चर सेगमेंट में। अलग अलग सेगमेंट में काम होंगे पर 2047 तक के लिए एग्रीकल्चर में क्या होगा। देखो 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब हमारी पॉपुलेशन थी लगभग 34 करोड़, ठीक है, आज अगर देखें तो लगभग 4 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। इसके आगे देखी जाए तो 2023 में हम चाइना को सरपास करके वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे और 2050 में लगभग हमारी पॉपुलेशन होगी 166 करोड़। ये टेंटेटिव आइडियाज़ हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन रिपोर्ट के हिसाब से। तो आप देखो कि हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहने वाला है, क्योंकि आज की परिस्थिति में अगर देखें तो पर कैपिटा इनकम हमारे देश में है $2300, जो कि बांग्लादेश से भी कम है, बांग्लादेश में $2600 तक पहुंच चुकी है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हमारे देश में इतनी है और राइज होने का जो स्कोप है वो है कि हर साल 5 से 6% आप देखोगे कि ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी पर कैपिटा इनकम में। पर कैपिटा इनकम का मतलब नेशनल इनकम, उसको डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से, तो एक एक बंदे की इनकम आ जाएगी एवरेज। वो बात अलग है कि इनइक्वालिटीज़ बहुत सारी हैं पर हम एवरेज निकाल करके ही थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस $2300 को बढ़ा करके आगे बढ़ें तो अभी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के हमारा पॉइंट यहाँ पर है कि हमारी एग्री पॉलिसीज इस तरीके से हो जिससे एक तो डिमांड क्या है उसको फुलफिल करें और एक हम चाहते कहाँ हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टैंड होते हुए आने वाले 25 सालों में, उसको हमें ध्यान रखना होगा। जैसे कि हमने ऑलरेडी ऊपर ग्राफ देख लिया कि सीरियल्स में सबसे कम ग्रोथ देखी गई है सीरियल प्रोडक्शन में पिछले 10 सालों में या प्रोडक्टिविटी में, जबकि पोल्ट्री फार्म और फिशरी इन दोनों में ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन फेवरेबल हो उन सेक्टर्स में जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा है, जबकि हमें ये तो पता है ही कि गवर्नमेंट का फोकस राइस एंड वीट पर है।
तो जैसे कि एमएसपी डिक्लेयर करना और ये सारी चीज़ें। एमएसपी डिक्लेरेशन वैसे तो 23 क्रॉप्स के लिए होता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा एमएसपी का क्या मैकेनिज्म है पूरा, ठीक है, आप अच्छे से देख लेना, एमएसपी के लिए मैं शेयर कर दूंगा। ओके, हाँ, तो मैसिव प्रोक्योरमेंट अगर देखें तो गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट करती है, खुद खरीदारी जो करती है, वो राइस और वीट की करती है, क्योंकि पीडीएस सिस्टम के बेसिस पे हम फूड सप्लाई इंश्योर करना चाहते हैं। पर सवाल ये है कि इसमें तो गवर्नमेंट का फेवर है तो ही इतनी ग्रोथ नहीं है, जबकि दूसरी तरफ हम फिशरी फार्म सेक्टर की बात, ए क्या माना, फिशरी हो गया, पोल्ट्री फार्म की बात कर ली, डेयरी सेक्टर है, मीट सेक्टर है, ये तो केवल और केवल मार्केट फोर्स पे काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे, जबकि ये तो और अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो इस चीज़ से फार्मर्स को भी लर्न करने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखें तो पॉलिसी भी इसी तरीके से बननी चाहिए जिसमें कि बेनिफिट ज़्यादा हो, उस तरफ फार्मर्स को पुश किया जा सके, ठीक है, और मार्केट राइट्स मिलनी चाहिए फार्मर्स को भी। और देखो यहां पर प्राइवेट सेक्टर का इंटरवेंशन अगर होता है तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, इसके हाँ बस एक रेगुलेशन होना चाहिए प्रॉपर जिससे कि फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो कुल मिलाकर के जो रेवोल्यूशन हम हमारी एग्रीकल्चर में चाहते हैं, वो रेवोल्यूशन लाने के लिए गवर्नमेंट को एक फेवरेबल पॉलिसी बनानी होगी जिसमें कि जहां पर ज्यादा बेनिफिट हो फार्मर्स को उस तरफ हम पुश करें, जहां पर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट ज्यादा हो उस तरफ हम पुश करें। हमें ज़रूरत किसकी है, एक ऐसे फूड सिस्टम की जो कि एक कंपोजिट एंटिटी के तौर पे हम फूड सिस्टम को ट्रीट करें। कुल मिलाकर के अगर देखें तो अभी तक हमने तीन डायमेंशंस पर तो ध्यान दिया है, एक तो प्रोडक्शन पे, एक मार्केटिंग पे और एक कंजम्पशन पे। ये बोला तीन ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमेशा से फूड सिस्टम में प्राइम फोकस रखा गया है कि भाई माल ज़्यादा होना चाहिए, मार्केट जो है वो इस तरीके से हो जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो, एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो और प्रोड्यूसर को भी अच्छा पैसा मिले और खरीदार को भी कम ज़्यादा लोड ना उठाना पड़े। कंजम्पशन क्या पैटर्न है वो समझा हमने। अब बोले दो चीज़ों पर और ध्यान देने की ज़रूरत है हमें, तब जाकर के फाइव डायमेंशनल फूड सिस्टम जो कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएगा। तो इनमें तीन तो है ही, अब दो चीज़ें और ऐड कर दो, नंबर फोर्थ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि भाई ऐसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। नंबर फाइव न्यूट्रिशनल आउटकम बहुत सही होना चाहिए, खाना पेट भर के खाने से अब काम नहीं चलने वाला है, अब खाने के साथ में जो हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशंस की वो भी सप्लाई हो। बोले ये जब पांच चीज़ें हम इंश्योर करेंगे तब जाकर के हमारी फूड सिक्योरिटी, इस बढ़ती हुई जनता की फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो पाएगी। और एक चीज आपको ध्यान ही है, फार्मर्स की इनकम हमें राइज करनी है ही। देखो जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर हमारा हाल था शिप टू माउथ, जो श्रीलंका का था, श्रीलंका का है था नहीं है, जहां पर शिप में लोड होकर के अनाज आएगा तब जाकर के लोगों का पेट भरेगा। पर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बेसिस पे हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी जो प्रोडक्शन वो बढ़ दी और बढ़ा दी, आज हम राइस के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 मतलब 2021-22 की बात करें तो हमने 21 मिलियन मेट्रिक टन राइस एक्सपोर्ट किया है जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। पर नुकसान क्या हो गया, हमने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। इस एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ होना हमारे लिए ठीक बात नहीं है। क्या किया जाए, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, आज आप देखते हो क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक सच्चाई हो चुकी है, उस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए कम बारिश में उगने वाली, कम ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट या फिर कोई भी बीमारियों को फैलाने वाले जो भी पैथोजेंस हैं उनके इम्पैक्ट के बावजूद भी प्रोडक्शन अच्छा आए या उनके इम्पैक्ट से हम बच सकें, इस तरीके की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हमें ध्यान में लाना होगा। नहीं तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या हो गया, ग्राउंड वाटर टेबल लगातार डिक्लाइन कर रहा, पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में, पंजाब हरियाणा राजस्थान का हाल है खराब, या फिर वेस्टर्न यूपी का ले लो, सॉइल्स जबरदस्त तरीके से डिक्लाइन कर रही है, 10 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में 10 लाख साल बन जाते हैं, लग जाते हैं, ठीक है। अर्थ सरफेस पे टॉप सॉइल जो है जो कि मोस्ट फर्टाइल है, और वो टॉप सॉइल अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है और आने वाली टाइम पर अगर इसी तरीके से हम चलते रहे तो डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं रोकेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर हमें वहीं से होने वाली है, क्योंकि सॉइल अगर फर्टाइल नहीं होगी तो फिर कहाँ से आप फूड सिक्योरिटी इंश्योर करोगे अपने लोगों की। तो कुल मिलाकर के जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है कि सॉइल को भी हमें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। एयर क्वालिटी, भाई जो स्टबल बर्निंग होती है पंजाब हरियाणा यूपी इधर,
तो बोले इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मीथेन एमिशन, राइस की कल्टीवेशन के चलते ग्रीन हाउस गैसेस की बहुत ज़्यादा एमिशन होती है, वो हमें रोकनी होगी, और कार्बन मार्केट को डेवलप करना होगा। इससे क्या होगा, जिससे बहुत ही आसानी से जो एक सिस्टम है कि भाई फार्मर्स को भी इस तरीके से टारगेट दे दिया जाए, उनको भी अवेयर किया जाए कि भाई तुम जितना कम ग्रीन हाउस गैस एमिट करने वाली क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो करोगे उतना ही गवर्नमेंट तुम्हें ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो वो जो चीज़ है ना, वो अप्लाई करने की ज़रूरत है। और साथ में कार्बन मार्केट डोमेस्टिकली अगर डेवलप होता है तो किसी ने टारगेट अगर अपना अचीव नहीं किया कि हाँ भाई मुझे मेरे प्लांट से या मेरी खेत से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने का टारगेट दिया हुआ है या इतना मीथेन का दिया हुआ है, अगर वो फेल होता है तो वो दूसरे से खरीद ले और खुद अचीव कर लेता है तो उसको फिर क्रेडिट मिले, जिससे कि वो एक क्रेडिट जो अपना खुद का बनाया है वो बेच करके खुद एडिशनल पैसा कमा सके। तो कुल मिलाकर के आप देखो, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और एक्यूरेसी या प्रेसिजन की बात करें फार्मिंग में, वो आनी ज़रूरी है इसके लिए, तभी जा करके जय अनुसंधान तभी पॉसिबल हो पाएगा। चाहे आज इंजीनियरिंग सेगमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर में रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए। जो काम हमने मिल्क रेवोल्यूशन में किया वो चीज़ें हमें एग्रीकल्चर में भी अप्लाई करने की ज़रूरत है, जिसमें एक होलिस्टिक मैनर में प्लानिंग पॉलिसी बने और फिर उसको प्रॉपर मैनर में इम्प्लीमेंट भी किया जाए। इसके लिए राइटर बोल रहे हैं एक तो डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इस पर हमें रिलाई करने की ज़रूरत है। जैसे आज डिजिटल रिकॉर्ड्स अवेलेबल होने के बेसिस पे इसराइल, हॉलैंड जो कि आज नेदरलैंड्स जानते हैं, ठीक है, US, यहाँ पे प्रॉपर मैनर में रिसर्च होती है, डेटा एनालिसिस होता है, तब जाकर के फिर वो गवर्नमेंट उस हिसाब से काम करती है। बोले ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टारगेट है हमारा कि फार्मर्स की इनकम को राइज करना, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस कर रखा है 2016 में कि भाई हमें फार्मर्स की इनकम को डबल कर देना था 2022-23 तक, पर वो बात अलग है कि कोविड की वजह से और ये बीच में कई डिसरप्शंस बैक टू बैक आ गए जिसकी वजह से वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। पर वो टारगेट अचीव करने के लिए हमें फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करना होगा, अभी तक जो कंटेंट हमने डिस्कस किया उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके आगे देखें तो ये भी एक सच्चाई है कि 1970-71 के टाइम की बात करें तो एवरेज होल्डिंग साइज कितनी थी एक खेत की, एक परिवार के हिस्से में जो ज़मीन आ रही थी वो कितनी आ रही थी एक परिवार या एक इंडिविजुअल के हिस्से में, वो थी 2.3 हेक्टेयर एवरेज, जो कि घटकर के 2015-16 में कितनी होगी 1.08। क्यों? जॉइंट फैमिलीज थी, फ्रेगमेंटेशन हुआ, डिवीज़न हो गया ज़मीन का, छोटे छोटे खेत रह गए। तो आप बताओ कि क्या सीरियल्स को उगाने से उनको फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। चाहे प्रोडक्टिविटी आप कितनी भी इंक्रीज कर लो, केवल सीरियल्स, गेहूं, चावल, इन पर रिलाई करने से उनका पेट नहीं भरने वाला है, और जो हम उनकी इनकम डबल करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल नहीं है। क्या किया जाए? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, उन लोगों को इस तरीके की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की तरफ पुश करने की ज़रूरत है जिसमें कि वो कम खेत पर भी खेती करें ना, तो कम से कम अपने परिवार का पेट भर सके। और ये तो है ही कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर में जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हमें रिड्यूस करने की भी ज़रूरत है। हमें लोगों को नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की तरफ भी पुश करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो बची हुई खेतों की ज़मीनें रहेंगी उनको कंसॉलिडेट करके फार्म साइज़ भी बढ़ा दी जाए, और जो कि पॉसिबल हो सके। जैसे कि आप देखोगे कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, इंग्लैंड में, तो इसमें बहुत बड़ा फैक्टर था कि पहले एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन और फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। तो पॉइंट यहाँ पर ही आता है कि हमें हमारे यहाँ पर लेबर जो है उसको भी डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, और जो लोग खेती ही करना चाहते हैं उन लोगों को जो फ़ायदा देने वाली क्रॉपिंग है, फ़ायदा देने वाली जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, उन पर रिलाई करने की ज़रूरत है। एफिशिएंट वैल्यू चेन बनानी चाहिए जिसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल अपने आप आ जाता है कि भाई माल जो है, गेहूं है, कुछ भी हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खेतों से कंज्यूमर तक पहुंचे तो वो एकदम सिस्टमेटिक मैनर में पहुंचे बिना किसी हर्डल के। ऐसा इकोसिस्टम बनाने के लिए पॉलिसी भी बने, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी हो, फार्मर्स का इनिशिएटिव और उनका इन्वॉल्वमेंट भी हो, और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से उस पॉलिसीज़ को काम करे। देखो, रिस्क रिड्यूस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो क्या है, एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पर अभी भी मानसून पे डिपेंडेंट है, जो कि ठीक बात नहीं है। ठीक है, इसके आगे फिर राइटर बोल रहे हैं कि एक खेत पर अगर सोलर सिस्टम के तौर पे भी काम किया जाए ना तो बहुत हद तक बेनिफिट हो जाएगा। कैसे? हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर रबी और खरीफ की सीज़न में नॉर्मली दो सीज़न में खेती कर ली जाती है, तो दो क्रॉप तो एक साल में करते ही हैं। बोले थर्ड क्रॉप के तौर पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा दो उनको। इसका मतलब क्या है कि एक हेक्टेयर ज़मीन जो है
उस जमीन पर आप देखो, एक एकड़ जमीन, सॉरी हेक्टेयर नहीं, एकड़ जमीन पे 400 सोलर पैनल्स का ट्री इंस्टॉल करवा दो, हाइट कर दो उनकी 10 से 12 फीट, जिससे कि हाइट पर अगर उनको लगाओगे सोलर पैनल्स को तो एक तो सनलाइट आने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और दूसरी चीज़ क्या है कि खेत में आराम से बुआई की जा सकेगी ट्रैक्टर का इनका यूज़ करके। तो कुल मिलाकर के बोला, जब सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिए जाएंगे तो ये तीसरी क्रॉप के तौर पे फार्मर देखेगा, और इसका बोला हमने पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंडक्ट करके देख लिया है, इसका बेनिफिट भी हुआ है। राइटर बोल रहे हैं कि हमने नजफगढ़ केवी के एरिया में फार्मर्स के साथ में एक्सपेरिमेंट किया, वो ये कि उनके एरिया में 400 पैनल के लगभग हमने इंस्टॉल किए पर एकड़ के हिसाब से। आप देखोगे कि एक एकड़ पे 1,00,000 रुपए की एडिशनल इनकम उनकी बनने लग गई। अब आप देखो कि इसमें इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो इंस्टॉलेशन में फार्मर्स को खुद से पैसा खर्च करवाने की क्या ज़रूरत है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप उनके साथ एंगेज करवा सकते हो। इससे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली पैनल इंस्टॉल करेंगे, फिर उससे काम चलेगा उनका, इससे इंक्लूसिव और ग्रीन ग्रोथ इंश्योर हो सकेगी। भाई सीधी सी बात है, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी, फार्मर्स की इनकम ऑटोमेटिकली राइज होगी, और वहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर सोलर पैनल सिस्टम में काम करना चाह रहे हैं उनको भी एंगेजमेंट मिलेगी, तो ऐसे में बेनिफिट होगा, विन विन सिचुएशन बनेगी। तो 2016 का जो हमारा टारगेट था ना कि डबल करनी है फार्मर्स की इनकम को, वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जब एक कैंपेन चलेगा जिसमें इन्वेस्टर्स, फार्मर्स, रिन्यूएबल पावर कंपनीज, डिस्कॉम, ये सब मिलकर के काम करेंगे, तब जा करके ये बेनिफिट होगा। जिस तरीके से हम बोलते हैं ना हर घर तिरंगा वाला जो अभी कैंपेन चला था, तो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ कैंपेन हर खेत में सौर ऊर्जा करके एक कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, तब जा करके जय अनुसंधान का जो नारा है वो सच साबित हो पाएगा। ये है मेन मुद्दा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है करंट क्राइसिस। देखो पावर सेक्टर से रिलेटेड ही है, हमने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से देख लिया, आज थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें हैं। एक तो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन पोसोको ने अपनी तरफ से, जो कि पोसोको जो कि एक नेशनल ग्रिड ऑपरेटर है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से रिलेटेड रेगुलेशन का काम हो गया, तो इसने क्या किया है कि तीन पावर एक्सचेंज कंपनीज को अपनी तरफ से क्या कह दिया कि आप जो है वो 27 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, 27 डिस्कॉम्स को एक बार स्टे करो, ना तो वो बिजली खरीद सकेंगे ना बिजली बेच सकेंगे। और ये 27 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कौन कौन से स्टेट्स, कितने स्टेट्स में फैली हुई है, 12 तो स्टेट्स से हैं और एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, क्योंकि इन्होंने जनरेशन कंपनीज को अपना पैसा नहीं लौटाया। तो ऐसे में क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि डिस्ट्रीब्यूशन का, अब आपको पता है जनरेशन कंपनीज तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देंगी पर उनको भी तो कोयला चाहिए भाई, उनको भी तो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी डेवलप करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए होता है। तो वो जो पैसा है वो कौन पे करता है, वो जब जनरेशन कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद में फिर वो सप्लाई दे देती है डिस्कॉम्स को कि भाई हाँ ठीक है, ट्रांसमिशन के बाद में डिस्कॉम्स अपने अपने लेवल पे इंडस्ट्रीज को या किसी को भी सप्लाई करके अपना पैसा अर्न करे, तो वो पैसा उनको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, वो पैसा पेमेंट वो कर नहीं रहे। अच्छा अब बात ये आती है कि पोसोको ने ये जो एक्शन लिया है ये किसके अंडर लिया है, ये एक्शन लिया है यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिसिटी लेट पेमेंट सरचार्ज एंड रिलेटेड मैटर्स रूल 2022, जो कि रिसेंटली नोटिफाई किए थे गवर्नमेंट ने इन रूल्स के बेसिस पे। तो कुल मिलाकर के हमने जो सिचुएशन देखी थी कि भाई हाल क्या चल रहा है पावर सेक्टर का, उस सिचुएशन को एक छोटा सा एक कितना पड़ाव दिख गया है, अब वो जो परिस्थिति है ये एकदम क्लियर होती दिखाई दे रही है कि वाकई में कितनी ग्रेव सिचुएशन है। देखो डिस्कॉम कंपनीज की बात करें ना, ये पावर चेन में सबसे कमज़ोर कड़ी है। कमज़ोर क्यों होती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ये इंडस्ट्रीज़ को करते हैं या डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को करते हैं या खेतों में इस तरीके से करते हैं, और वहाँ पर फिर स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल आ जाता है जब वो चुनावी रैलियाँ करती हैं और वो बोल देती हैं हाँ जी फ्री हो जाएगी आपकी बिजली, चिंता ही मत करो। अब वो फ्री हो गई तो बर्बादी होने लग गई है। तो कुल मिलाकर के डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे लगातार लॉसेस बढ़ते चले गए, और वो लॉसेस डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कॉम्स के बढ़ गए तो जनरेशन कंपनीज को भी पेमेंट टाइम पे नहीं गया, तो वो क्राइसिस में आ गई। अब आप देखो बिजली की कटौती होती रहती है, तो इस तरीके से पावर सेक्टर में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है इस पेमेंट के डिले को लेकर के, तो इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात यह आती है कि क्या सरकारों ने कोई कोशिश ही नहीं की इस क्राइसिस को ख़त्म करने की, आंसर है बहुत कोशिश की है। 2000 की बात करें तो एक स्कीम लाई गई थी जिसमें बेल आउट दिया गया था डिस्कॉम्स को लगभग 41,500 करोड़ का, क्या वो स्कीम सक्सेसफुल रही, आंसर इज नो। फिर बाद में 2012 में
एक और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग प्लान लाया जाता है जिसमें 1.2 लाख करोड़ रुपए की असिस्टेंस दी जाती है। क्या इसमें डिस्कॉम्स क्राइसिस से बाहर निकलते हैं? आंसर है नो। फिर 2015 में उदय स्कीम लाई जाती है, उज्ज्वला डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। क्या उस स्कीम के बेल आउट के बेसिस पे, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए तक का असिस्टेंस दिया गया था, क्या वाकई में बाहर निकल पाए डिस्कॉम क्राइसिस से? आंसर इज नो। अभी तक भी लॉसेस लगातार बने हुए हैं, ऑब्लिगेशन और कर्जा इतना हो चुका है। हम देख चुके हैं कि आप ओवरऑल कंक्लूड करोगे ना, जितना खर्चा गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक हुआ है, ठीक है, और अब ये हो गया यहाँ तक का। अब 2020 में गवर्नमेंट के द्वारा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये दो एंटिटीज के द्वारा इन डिस्कॉम्स को फंडिंग दी गई, जिसके बारे में हमने पोंजी स्कीम और वो समथिंग देखा था, आपको याद हो तो अरविंद सुब्रमण्यन जी का जो आर्टिकल था, ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आप देख लेना, अभी प्रीवियसली हमने 5-7 दिन के अंदर अंदर ये डिस्कस किया है। तो बोला PFC और REC, इन्होंने लगभग 1.35 लाख करोड़ का असिस्टेंस लोन दिया है डिस्कॉम्स को, अब आप ये जिससे कि वो अपने ड्यूज को क्लियर कर सके। पर सवाल ये है कि क्या अभी तक ये निकल सके हैं क्राइसिस से? आंसर इज अगेन नो। अभी तक देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर टोटल कॉस्ट का कितना बर्डन है जी, 4.32 लाख करोड़। अगर इन सारा जो खर्चा हुआ है ना प्रीवियसली, इसको ऐड कर दिया जाए ना, आप ये मान के चलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट पे जो खर्चा करती है ना, उससे ज़्यादा खर्चा हो गया ये। तो कुल मिलाकर के इस सेक्टर को क्राइसिस से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस क्राइसिस से निकालने के लिए ही ये अभी गवर्नमेंट के द्वारा एक्शंस लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखे जाए तो फाइनेंशियल पोजीशंस ठीक करने के लिए टाइमली और एडिक्वेट एक्शन लेने जरूरी हैं, जिसमें हमने कहा कि एक तो टाइमली मैनर में टैरिफ रिवाइज करने अलाउ किए जाए, दूसरे जो AT&C एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस जो होते हैं उनको रिड्यूस करना होगा, ठीक है, चोरी को रोकना होगा, यूनिट्स को प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करना होगा, स्मार्ट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट भी दिया था, वो सारी चीज़ें वो आप देख लेना है ना, आपने ऑलरेडी देख लिया हो तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ है नहीं। AT&C लॉसेस को रिड्यूस करना होगा। अगर पावर सेक्टर में बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा तो पावर सेक्टर बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चला जाएगा। फ्रीबीज वाला मुद्दा थोड़ा सा अब हाईलाइट हुआ है, तब जाकर के अब थोड़ी सी अब बातचीत होने लगी है, और मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है कि भाई आप बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वेलफेयरिज्म का भी एक लिमिट होता है, उसके चक्कर में आप क्राइसिस में चले जाओ तो ठीक बात नहीं है, क्यों नहीं तो फिर 1990 वाला हाल होता हुआ हम क्या भूल सकते हैं, क्या जो आज श्रीलंका में हाल है, राइट। तो क्राइसिस को हमें हैंडल करना होगा सही तरीके से, इसमें कंज्यूमर पर भी लोड नहीं आना चाहिए तो सप्लायर पर भी लोड नहीं आना चाहिए। तो ये क्राइसिस है पावर सेक्टर का, और ये फैक्ट्स जो थे वो आपके काम आ जाएंगे। अभी तक तो हमने जो एनालिसिस देखे थे इतनी फैक्चुअल डिटेल कहीं नहीं थी कि कहाँ पर कितना पैसा कितने दिया है, किसने दिया है, तो उसी पॉइंट में इसको ऐड कर देना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है टू मैनी बॉल्स इन द कोर्ट। इन कोर्ट देखो आर्टिकल को लिखा है संदीप द्विवेदी जी ने। सवाल ये है कि देखो IPL में आपको पता है स्पॉट फिक्सिंग पकड़ी गई थी, ठीक है ना, ये एस श्रीशांत और इनका केस था राजस्थान रॉयल्स का इनका। तो कुल मिलाकर के स्पॉट फिक्सिंग जब पकड़ी गई थी तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट ने जब चेक किया तो पता पड़ा बोले BCCI में बहुत सारी गफले गड़बड़े चल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी, जस्टिस RM लोडा कमेटी जिसको बोला गया। RM लोडा कमेटी ने अपनी तरफ से BCCI में रिफॉर्म्स लाने के लिए कुछ अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस दी। अब आपको क्या करना है, एक तो RM लोडा कमेटी के बारे में पूरा डिटेल में देख लेना भाई, ठीक है, रीसेंट रिफॉर्म्स इन BCCI समथिंग कुछ भी आपको मिल जाएगा गूगल करने के बाद में, उससे आप थोड़ा सा आइडिया ले लेना और नोट मेकिंग कर लेना, ठीक है। अब देखो RM लोडा कमेटी जो थी उस कमेटी ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी जिसमें यहाँ तक भी था कि बैटिंग को आप अलाउ कर दो। बैटिंग का मतलब आप जानते हो सट्टा जो खेला जाता है उसके लिए, क्यों, क्योंकि लोग तो खेलेंगे ज़्यादा भी नहीं और खेलते भी हैं आपको पता है। तो इस चक्कर ये जो आज के टाइम पे जो ड्रीम इलेवन और ये जो कई बनती है ना MPL पे टीम बना लो, ड्रीम इलेवन पे बना लो, ये सारी चीज़ें किस पे बेस्ड है, ये RM लोडा कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही है, तभी से थोड़ा सा लिबरलाइजेशन आया है क्रिकेट की अगर बात करें। कुल मिलाकर के बात ये है यहाँ पर राइटर के द्वारा कि BCCI में रिफॉर्म्स लाने के लिए RM लोडा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, कमेटी ने अपनी तरफ से जो रिकमेंडेशन देनी थी वो दे दी और उन रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही काम मोर और लेस अभी चल रहा है।
दूसरी तरफ अगर देखें तो क्रिकेट की लाइन पर ही बाकी दूसरे स्पोर्ट्स को भी ले जाया जा रहा है, जैसे कि फुटबॉल। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, हैंडपिक्ड कमेटी। अब यहाँ पर एक तो राइटर क्वेश्चन ये उठा रहे हैं कि जो बॉडीज यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में काम कर रही है वहाँ पर जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, ठीक है। जुडिशरी अपने हिसाब से कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बना रही है और उनको ये कह रही है कि भाई आप रिकमेंडेशन दो कि कैसे एक स्पोर्ट्स एंटिटी को काम करना चाहिए। जैसे कि बीसीसीआई के लिए आरएम लोडा कमेटी ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस दी थी, बोला ऐसा ही कुछ फुटबॉल और बाकी दूसरे स्पोर्ट्स के लिए भी देने की ज़रूरत है, जिससे कि हम स्पोर्ट्स को थोड़ा और एक्सपेंड कर सकें। पर समस्या कहाँ आती है कि बीसीसीआई में आपने रिकमेंडेशन दे दी, पर वो रिकमेंडेशन देने के बाद में क्या लोडा कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो प्रॉपर इंप्लीमेंट हो पा रही है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो भी एग्जीक्यूट करने वाले इंडिविजुअल्स हैं या जो मीडिया है उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हाईलाइट किए गए हैं जो कि प्रॉपरली इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कि ऑब्जेक्शन एक तो आ रहा है कूलिंग ऑफ पीरियड को लेकर के। जैसे आप जानते हो कि कोई भी काम अगर आप करते हो, जो टेन्योर पीरियड होता है किसी का भी, ठीक है, मान लो एक बंदा है, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली से रिलेटेड ये केस है। सौरव गांगुली जो है वो आप देखो कि प्रेसिडेंट के तौर पे इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया, तो इस केस में अब इनको इस सीट को छोड़ देना चाहिए। अगर इनको सेकंड टेन्योर लेना है तो एक ब्रेक लेकर के, जिसको कूलिंग ऑफ पीरियड बोला जाएगा, फिर दोबारा से प्रेसिडेंट बन सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, ये लगातार ही प्रेसिडेंट बने हुए हैं। सेम चीज़ जय शाह, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, बेसिकली अमित शाह के बेटे हैं ये, ठीक है, अमित शाह जी जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं उनके बेटे हैं, वो अभी भी अपने टेन्योर को कंटिन्यू किए जा रहे हैं। तो क्या कूलिंग ऑफ पीरियड यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है? आंसर इज नो। तो कुल मिलाकर के बात ये आ रही है कि जो प्रोमिसेज आप करते हो, जो प्रोमिसेज आप इस तरीके से करते हो कि हाँ जी हम एंटिटी को भी एम्पावर करेंगे और जो इंस्टीट्यूशन है क्रिकेट का वो और ज़्यादा एक्सपेंड होगा, और ज़्यादा हम मैनर में अच्छे से बढ़ा पाएंगे, तो बोले यहाँ पर ये चीज़ें हो नहीं रही है, ठीक है। तो एक तो आरएम लोडा कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो जरूर देख लेना भाई, एक तो ये है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देखें कि जो कोई भी काम हो रहा है वो एक तो बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है, एक टाइम कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन क्रिएट करने वाली चीज़ है। भाई सीधी सी बात है, एक तरफ तो हम भुखमरी से मर रहे हैं हमारे देश में लोग, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भुखमरी छोड़ो यहाँ पे स्पोर्ट्स में कंपेयर करें, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं जिनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलने की वजह से उनका करियर बिल्कुल ठप हो जाता है, और दूसरी तरफ स्पोर्ट्स को ही डेवलप करने में इतना पैसा खर्च हो रहा है। तो ऐसे में एक प्रॉपर मैनर में काम होना ज़रूरी हो जाता है। प्लेयर्स की एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जा कर के हम अच्छे प्लेटफॉर्म पर और शानदार परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स अच्छे से फ्लो नहीं कर रहा या ग्रो नहीं कर रहा, अच्छा कर रहा है, पर बहुत अच्छे से और ज़्यादा डेडिकेशन दिखाने की ज़रूरत है। सेम चीज़ फुटबॉल पे अप्लाई कर दी गई है। अब राइटर सीधा से एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि एक बार हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि अभी जो फुटबॉल के लिए कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट की जा रही है, इसके लिए ये गाइडलाइन इशू की गई है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है फुटबॉल के लिए इंडिया में, जैसे बीसीसीआई है क्रिकेट के लिए तो AIFF है वो फुटबॉल के लिए, बोले उसमें 50% तो एमिनेंट प्लेयर्स होंगे, रिटायर्ड प्लेयर्स होंगे, उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पर होगा। अब सवाल ये आता है कि आप स्पोर्ट्स प्लेयर्स का इस तरीके से एंगेजमेंट करते हो तो एक बार देखो तो सही, क्या स्पोर्ट्स प्लेयर बिल्कुल एथिकल मैनर में काम कर रहे हैं क्या? क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम्पल है फ्रेंच फुटबॉलर, ठीक है, माइकल प्लैटिनी, उनको रिसेंटली जेल में डाल दिया गया है, कारण कि जब वो फीफा के वाइस प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने कई फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए थे। इसका मतलब आप ये देखो कि फुटबॉल में जिस तरीके से हम हमारे यहाँ पर भी फुटबॉल प्लेयर्स को एनकरेज कर रहे हैं, फॉर्मर एमिनेंट प्लेयर्स को, तो बोलो उसमें हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। सबका एथिकल कंडक्ट सेम नहीं हो सकता अगर वो अच्छा परफॉर्म कर भी चुके हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात क्या आ रही है कि एक तो आप इस तरीके से एक्टिविटीज़ या फिर इस तरीके से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करो जो कि एक तो एग्जीक्यूटिव बॉडी को एग्जीक्यूटिव रहने दे, दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट जैसे जुडिशरी के पास में इतनी एक्सपर्टाइज नहीं है कि आप इस तरीके से हैंड पिक करके, चेरी पिकिंग करके और फिर बाद में कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना करके और फिर बाद में काम करवाओ, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इशू भी बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। सौरव गांगुली जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, अब देखा जाए तो एक गवर्नमेंट एंटिटी के चेयर के तौर पे काम कर रहे हैं ना वो, तो क्या उनको किसी भी कहते हैं ना कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट इनमें आना चाहिए, जबकि वो आते हैं। तो ऐसे में
एक तो खुद बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, दूसरे कॉमर्शियल प्रमोशन करते हैं, तो वो तो अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। चलो ये तो प्रेसिडेंट है, इंडिया के नंबर वन क्रिकेटर विराट कोहली क्या ये कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट नहीं दे रहे हैं? या फिर जो चीज, इसके बारे में पहले भी डिस्कशन होया हुआ है, आप देखोगे कि इंडियन जर्सी देखोगे ना तो उस पर MPL लिखा हुआ रहता है, ठीक है, MPL कंपनी, और MPL का प्रमोशन कौन करते हैं? विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं उसके, तो कुल मिलाकर के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो उसको भी ठीक करना जरूरी है। तो ये अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपनी पोजीशन का गलत यूज करना, और साथ में जो एक टेन्योर कंप्लीट होने के बावजूद भी टेन्योर को अपनी सीट को ना छोड़ना, बोले ये चीजें ऑलरेडी BCCI में हो रही है, तो वही चीज आप कॉपी क्यों कर रहे हो फुटबॉल में, राइट? और अगर कर भी रहे हो तो ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स हैं क्रिकेट सिस्टम में उसको करेक्ट कर दो, बाकी सिस्टम को फिर बाद में आप रिफॉर्म में ला देना। तो इस तरीके से राइटर जो है वो अपनी तरफ से अपने कंसर्न्स रेज कर रहे हैं कि भाई ये इश्यूज हैं जो GS पेपर 4 में आपको एग्जांपल के तौर पे मोर और लेस कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, डिस्कशन यहीं खत्म है, थैंक यू वेरी मच।